अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ ग्रिल चॉप्स और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी। इनको मैं बाद में स्टीम भी करूँगी एलुमिनियम फॉइल में, और घर के बर्तन इस्तेमाल करते हुए मैं इनको स्टीम करूँगी। आप लोग इस मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, इसका कोई स्टेप जो है वो स्किप ना करें। आपकी चॉप्स भी बहुत मज़ेदार बनेंगी और बहुत कम ऑयल यूज़ होगा जस्ट फॉर ग्रिलिंग। हम थोड़ा सा ग्रीसिंग के लिए ऑयल यूज़ करेंगे, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रही मैं, इसलिए ये हेल्दी भी हैं। आप सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी तैयार हुई। चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो सबसे पहले चॉप बनाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है 10 से 12 चॉप्स, यानी कि 10 से 12 चांपें। कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। लीमू लिए हैं मैंने 4 से 5 और इनका मैंने रस निकाल लिया है। चिकन टिक्का मसाला ले रही हूँ 2 खाने का चम्मच 2 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप डाल लें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। लाल मिर्च मैं ले रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच 1.5 टेबल स्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने आपको बताया था कि मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ फूड को कलर देने के लिए यूज़ होती है। नमक ले रही हूँ मैं 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा मैंने लिया है गर्म मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। चॉप्स के लिए मैंने दही लिया है 1 कप, ये तकरीबन 200 ml के बराबर होगा। ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो ले रही हूँ 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच। मस्टर्ड पेस्ट मैं ले रही हूँ 2 खाने का चम्मच 2 टेबल स्पून। ऑयल लिया है इस मैरिनेशन को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ के रखने के लिए 1 से 2 खाने के चम्मच। चॉप्स यानी कि चांपे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि मैं इसके अंदर शामिल करूंगी दही। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। रेड चिली पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च। नमक। टिक्का मसाला, ये मैंने आपको पहले भी बताया ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, अगर नहीं डालना चाह रहे तो आप ना डालें। इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ लेमन जूस। मस्टर्ड पेस्ट। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इन सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं करूंगी अच्छी तरह से मिक्स। चॉप्स को मैरिनेट करूंगी 1 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। जैसे आप मिक्स कर लें ताकि इवन हो जाए मसाला, और मैरिनेट करूंगी 1 से 2 घंटे के बाद, उसको मैं करूंगी इसको ग्रिल, और उसके बाद लास्ट में मैंने इसको करना है स्टीम। चॉप्स यानी चांपों पे मसाला बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है, अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो गया। अब मैंने इसको करना है मैरिनेट फॉर 2 आवर्स, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये क्लिंग फिल्म, इसलिए कि जो है ये ड्राई नहीं होंगी, और दूसरा ये कि जो इसको फ्रिज में रखने से इसका टेस्ट और किसी चीज़ में नहीं जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप ना यूज़ करें, इसको किसी बर्तन में और मैं ढक कर रख दें, नो प्रॉब्लम। और लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। मैं अब चॉप्स को ग्रिल करने लगी हूँ। थोड़ा सा ऑयल मैं डालूंगी ग्रिल पैन में, सिर्फ ग्रीस करना है, और उसके बाद मैं चॉप्स को इसमें रखूंगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो फिर आप क्या करें, फिर आप ये करें कि आप सिंपल जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन होता है वो ले लें, और सेम यही वाला प्रोसीजर फॉलो करें। दोनों साइड से हमें इसको अच्छी तरह से ग्रिल कर लेना है। बाकी ये कि इस ग्रिल पैन में ये गलेंगी तो नहीं, क्योंकि ये मटन है, तो बाकी जो इसका गलने का प्रोसेस है वो हम इसकी जब हम स्टीम देंगे तो तब हमारा पूरा हो जाएगा। चॉप्स की दोनों साइड्स को 5 से 6 मिनट्स के लिए मैंने ग्रिल कर लिया है, अच्छी तरह से ग्रिल हो गई हैं, लेकिन अभी ये गली बिल्कुल भी नहीं है।
और इसी तरह से मैं जो बाकी मेरी चॉप्स हैं सारों को मैं ग्रिल करके और उसके बाद मैं करूंगी इनको स्टीम। सारी चॉप्स ग्रिल हो गई हैं और अब मैं इनको स्टीम करने लगी हूँ। स्टीम के लिए मैंने पानी ऊपर रख दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एल्यूमिनियम फॉयल में किस तरह से इन चॉप्स को जो है वो स्टीम करूंगी और किस तरह की ये तैयार होंगी। चॉप्स को स्टीम करने के लिए मैं एल्यूमिनियम फॉयल ले रही हूँ और मैं इस पे रखूंगी चॉप्स को। आधी चॉप्स को मैं एक पोर्शन में रख रही हूँ और आधी को बाकी नेक्स्ट फॉयल में रखूंगी। ग्रिल करते हुए जो मसाला मेरे पास बच गया था वो मैं चॉप्स के ऊपर डाल रही हूँ। स्टीम बनाने के लिए मैंने देगचा ऊपर रख दिया था और स्टीम जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। काफ़ी अच्छी स्टीम बन रही है। इसके अंदर मैं एक चम्मच नमक डालूंगी, एक खाने का चम्मच, और इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर इस तरह का एक की छलनी, सब घरों में होती है, तो इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी। और इसके बाद जो मैंने फॉइल में अपनी जो चॉप्स को रखा था वो मैं रख दूंगी इसके ऊपर। ऊपर से मैं ये दे रही हूँ कपड़ा। और एंड पे दे दूंगी मैं ये ढक्कन। एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा चॉप्स को स्टीम होने में और मैंने बार बार खोलकर नहीं देखना क्योंकि फॉइल है, फॉइल एक बार फट जाता है तो स्टीम बाहर आ जाती है। मैं इसको एग्जैक्टली अब से एक घंटे के बाद देखूंगी और फॉइल की एक लेयर को ओपन करके हल्की सी छुरी अंदर डालकर देख लूंगी कि गल गई या नहीं गल गई। और उससे पहले मैं बार बार नहीं खोलूंगी क्योंकि इससे स्टीम ज़ाया हो जाएगी और क्योंकि मटन है सख्त होता है, टाइम ले लेता है। अगर ये चिकन हो तो कम टाइम भी लेता है, लेकिन ये मिनिमम एक से डेढ़ घंटा या दो घंटे भी सम टाइम ले लेता है। तो अब मैं आऊंगी और इसको चेक करती हूँ एक घंटे के बाद। तो मिलते हैं एक घंटे के बाद। एक घंटे के बाद मैंने चॉप्स को चेक किया था लेकिन वो कच्ची थी और अब तकरीबन डेढ़ घंटा गुजर गया और अब मैं इसको करने लगी हूँ चेक। तो होपफुली उम्मीद है कि ये गल गई होंगी। स्टीम आ रही है काफी ज्यादा। गरम होगा और आपने एहतियात करनी है। जी गोश्त गल चुका है। मैं एक चॉप को बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। चॉप गल चुकी है, अच्छी तरह से गल चुकी है। मैं बस अब इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। तो व्यूअर्स चॉप्स हो गई हैं रेडी, डिश आउट कर रही हूं मैं इनको। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर।
और जो साथ बेल आइकन लगा है उसको भी दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिल जाए फौरन फौरन। और वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट रेसिपी का। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।